कभी जो समय मिला बढ़िया भोजन किए सो गए, फिर उठे फिर भोजन किए फिर सो गए, यही चलता रहता है। इसलिए सोना नहीं चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज प्रदा, श्वास मत खोए ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। इसलिए क्या करें, मोह निशा में बहुत दिन सोए, 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 जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बने संतन के संग राग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संगत हमारा अच्छा होना चाहिए। आज संतों ने एक सरल उपाय बता दिया एक अजामिल को। संत भगवान जानते थे कि इस समय अजामिल की जो बुद्धि है बिगड़ चुकी है। यदि इसे हम कहेंगे तुम भगवान का पूजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, तो यह मानेगा नहीं। इसलिए इसे ऐसा कुछ उपाय बताया जाए जिससे भटके हुए मार्ग से अच्छे मार्ग पर आ जाए।
बोले अपने दसवें नंबर का जो बेटा होगा उसका नाम तुम नारायण रख लेना, यही हमारी गुरुदक्षिणा है। और अजामिल बोला ठीक है हम रख लेंगे। संत वहां से चले जाते हैं। अब कुछ समय व्यतीत हुआ कि आज अजामिल के यहाँ गणिका के द्वारा दसवां पुत्र का जन्म होता है। आज जब दसवें पुत्र का जन्म हुआ उससे बहुत प्रेम करता है अजामिल। वैसे भी कहा जाता है कि बड़े बेटे से माँ प्रेम करती है और छोटे बेटे से पिता प्रेम करते हैं, लेकिन जो बीच वाले होते हैं भगवान के भरोसे होते हैं। आप अधिकतर पूछना, जितने भी साधु महात्मा मिलेंगे तो बीच के ही मिलेंगे, न तो बड़ा मिलेगा न छोटा मिलेगा। क्यों? बोले परमात्मा की विशेष कृपा होती है उनके ऊपर, इसलिए वह संत बनते हैं भगवान के भरोसे। तो अजामिल अपने छोटे बच्चे से प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। कहीं से भी आता है, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण इधर आओ। अब जो अजामिल अभी तक भगवान का नाम नहीं लेता था, वह दिन में 10-20, 100-200 बार बेटा के चक्कर में नाम लेना शुरू कर दिया। इसलिए पहले के समय में व्यक्ति अपने बच्चों का नाम भी ऐसा रखा करते, रामदास, राम कृष्ण, राम जी, जगदीश, भगवान से मिलता जुलता हुआ नाम रखते थे। क्यों? बोले अंत समय जब व्यक्ति मरता है ना, तो उस समय न तो भगवान का नाम आता है न किसी का नाम आता है, केवल अपने संतानों का ही स्मरण बनता है। तो यदि मरते समय हम अपने बेटे का भी नाम लेंगे तो हमारा उद्धार ही होगा, कल्याण ही होगा, ना कि हम नरक में जाएंगे। इसलिए पहले, अब आज के समय में चिंटू, पिंटू, टिंकू क्या क्या नाम रखते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। अब जैसा नाम रखेंगे वैसा उनके अंदर गुण भी आएगा। अच्छा नाम रखना चाहिए। पहले बच्चों का जन्म होता था तो नामकरण संस्कार हुआ करता था, अब तो बच्चा होने से पहले प्लानिंग बन जाती है, लिस्ट बन जाती है कि माँ कहती हम ये नाम रखेंगे, बाप कहता हम ये नाम रखेंगे, पहले से सोच लेते हैं जन्म होने से पहले। पंडित जी बेचारे कुछ नाम रख कर जाए पर वो नाम ऐसा उत्पटांग रखेंगे कि कुंडली ही पूरी खराब हो जाती है। तो नाम अच्छा रखना चाहिए संतान का। आज अजामिल बुढ़ापे को प्राप्त हुआ पड़ा हुआ था, तो आज भगवान नारायण का नाम तो नहीं पर अपने बेटे का नाम ले रहा था। इतने में हुआ क्या कि आज अजामिल को लाने के लिए यमराज के चार पार्षद आ गए। अजामिल बीमार पड़ा, खाट में पड़ा हुआ था कि इतने में देखता है कि चार पार्षद, चार काले काले पुरुष आकर उस अजामिल को, अजामिल के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अजामिल के जब प्राण खींचना प्रारंभ करता है महाराज, तो अजामिल उस समय खूब चिल्लाता है लेकिन अजामिल की कोई नहीं सुनता है। तो वह अजामिल का जो छोटा वाला बेटा था वह आंगन में खेल रहा था। अजामिल बोला बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। तो जो बेटा उनका स्वयं का था वो तो नहीं सुन पाया, लेकिन वह आवाज प्रभु नारायण के पास पहुंच जाती है और नारायण भगवान अपने पार्षदों को भेजते, जाओ हमारा कोई भक्त हमें पुकार रहा है। अब भगवान के पार्षद दौड़ कर आ जाते हैं अजामिल के पास। अब यहाँ पर यमराज के पार्षद, भगवान नारायण के पार्षद दोनों में तू तू मैं होने लग गई। यमराज के पार्षद बोले हमें हमारे सरकार का आदेश हुआ है कि इसको प्राण इसके खींच कर लाओ यमलोक में। भगवान नारायण के पार्षद बोले कि हमें हमारे स्वामी का आदेश हुआ है कि इसको हमारे पास लाओ। अब तो महाराज दोनों लड़ रहे हैं दोनों पक्ष के, और इन दोनों पक्ष की लड़ाई को अजामिल देख रहा था पड़े पड़े। इतने में न तो भगवान के पार्षद ले गए न तो नारायण के पार्षद ले गए, सब दोनों छोड़कर चले गए। यमराज के पार्षद महाराज के पास जाकर बोले, बोले स्वामी ये बताइए हमें नौकरी में आप क्यों रखे हैं। बोले इसलिए आपको नौकरी में रखे हैं कि तुम जो जीव मरता है उसके प्राणों को हरण करके यमलोक लाओ,
तो बोले महाराज वही तो हम करने गए थे। और वहां जैसे हम गए तो देखे कि भगवान नारायण के चार पार्षद वहां पहुंच गए, हमें डांट कर वहां से भगा दिया। जैसे अपने पार्षदों के मुख से वह यमराज नारायण का नाम सुनते हैं, तुरंत बोले चुप चुप चुप, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। क्यों? बोले यदि नारायण का नाम तुम नरक लोक में ले लोगे तो जितने भी यहाँ जीव नरक भोग रहे सबके कानों में यदि नारायण शब्द पड़ा तो सब यहाँ से चले जाएंगे, तो हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा हमारा। अब तो महाराज भगवान यमराज बोलते हैं कि तुम लोग पूछा करते थे ना कि मैं किसकी पूजा करता हूँ, किसकी अर्चना करता हूं, तो इन्हीं भगवान नारायण का तुम्हें स्मरण करता हूं। तो यमराज बोले इन्हीं नारायण का तो हम स्मरण किया करते हैं। अजामिल दोनों की बातें सुन रहे थे। अजामिल आज समझ गया कि देखो हम आज अपने बेटे नारायण का नाम पुकारे तो भगवान के